नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम फास्फोरस ट्राई हैलाइड, एल्कोहल का रिएक्शन जब फास्फोरस ट्राई हैलाइड से कराया जाता है तो R और X कंबाइन हो जाता है तो हेलो एल्केन बनता है, OH और P आपस में कंबाइन होकर के फास्फोरस एसिड बनाते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई इधर भी हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई इधर भी कर लिया जाएगा, इस तरह से तैयार हो जाएगा हेलो एल्केन और प्लस फास्फोरस एसिड। दिमाग में आप रखेंगे एक्स की जगह हम रख क्या सकते हैं, तो एक्स की जगह ओनली वी कैन पुट क्लोरीन एंड ब्रोमीन, मीन्स इस मेथड से हम क्लोरो एल्केन बना सकते हैं और ब्रोमो एल्केन। एग्जाम्पल यन प्रोपाइल एल्कोहल रिएक्ट्स विथ फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, इट्स नेम इज यन प्रोपाइल एल्कोहल, इसका नाम है यन प्रोपाइल एल्कोहल, आईपीएससी नेम है इसका यन प्रोपेनॉल, मीन्स यन स्टेट है इसलिए यन यूज किया गया है, यन आप नहीं भी यूज कर सकते हैं। का रिएक्शन फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराया गया है, इसमें प्रोपाइल ग्रुप क्लोरीन से रिएक्ट कर जाएगा तो बन जाएगा क्लोरो प्रोपेन CH3CH2Cl OH और P रिएक्ट करके फास्फोरस एसिड बना लेंगे, इस कंपाउंड का नाम है फास्फोरस एसिड और इसका आईपीएससी नेम होगा क्लोरो प्रोपेन। इस तरह से एग्जांपल आपका कंप्लीट हुआ। इस रिएक्शन में प्रोपेनॉल का रिएक्शन फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराया गया है तो क्लोरोप्रोपेन बना है और फास्फोरस एसिड, प्रोपाइल ग्रुप क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, यहाँ क्लोरीन 3 है इसलिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि रिएक्शन हमारा बैलेंस हो जाए, यहाँ भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेलकम।